सिटी कंप्यूटर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। देखिए ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। और देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है कि कोशिश की है कि हर तरह का इनपुट और आउटपुट डिवाइस लिख दिया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर हमसे जो बेसिक चीज़ है इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, इसकी ऑप्शन ही गलत हो जाती है। तो सबसे पहले नंबर पे मैंने लिया है यहाँ पर ग्राफिक्स टैबलेट को। ग्राफिक्स टैबलेट ये कौन सी होती है? ग्राफिक्स टैबलेट होती है जो मोबाइल की तरह ही शेप की छोटी सी टैबलेट होती है और उसको हम उसकी स्क्रीन पे हम पेन से उसको इनपुट कर सकते हैं। मीन्स टच पिन टाइप एक पेन उसके साथ आता है तो उसको ग्राफिक्स टैबलेट बोलते हैं, उसमें हम इनपुट कर सकते हैं। अब बारी आती है ट्रैक बॉल की। ट्रैक बॉल क्या चीज़ होती है ये याद रखिएगा, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ इन सबको आप की नोट्स को साथ साथ लिख लीजिएगा। ट्रैक बॉल क्या चीज़ होती है? जो हमारा माउस है उसमें लेफ्ट का बटन होता है, राइट का बटन होता है और कुछ माउस में सेंटर में रोटेशनल व्हील लगा होता है या बॉल लगी होती है, तो उसको ट्रैक बॉल बोला जाता है। उसको भी दबाने से कोई ना कोई हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन करता है, उसको ट्रैक बॉल बोलते हैं। उसके बाद बारी आती है बार कोड रीडर की। बार कोड रीडर ये एक गन की तरह होता है जिसके ऊपर सेंसर लगे होते हैं, तो ये जो एक हमारा पेपर है उसमें से बार कोड को रीड करने के काम आता है। जिस तरह से जो हमारा आधार कार्ड है या फिर अपना कोई और कोई गवर्नमेंट लाइसेंस है उसके ऊपर आजकल बार कोड प्रिंट किया होता है, तो वो बार कोड को रीड करने के लिए वो रीडर काम आता है, तो ये भी इनपुट डिवाइस है। आगे बारी आती है डिजिटल कैमरा की। डिजिटल कैमरा, अब डिजिटल कैमरा जो है यहाँ पर इसको गलत कर दिया जाता है, कई बार बच्चे गलती से इसको आउटपुट डिवाइस में लिख देते हैं डिजिटल कैमरा को, लेकिन ये है इनपुट डिवाइस। वो क्यों इनपुट डिवाइस? क्योंकि जो डिजिटल कैमरा है वो जैसे ही रिकॉर्ड करता है वो एक तरह से सिग्नल लेता है, लेने के बाद क्या करता है कि जो डिस्प्ले है उसको सिग्नल पास थ्रू कर देता है। जैसे आपने शादियों में देखा होगा कि डिजिटल कैमराज लगे हुए हैं और साथ साथ ही क्या है कि आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आ रही है, तो ये एक डिजिटल कैमरा है जो कि इनपुट का काम करता है। जॉयस्टिक एक बंदूक की तरह होता है, गन की तरह होता है, जिससे हम एक डिस्टेंस से खड़े होकर सिग्नल को पास कर सकते हैं। एक जिस तरह से इसकी एक एग्जाम्पल है कि जो हमारे घरों में टेलीविज़न है, टेलीविज़न का जो रिमोट है वो एक तरह की जॉयस्टिक का काम करता है। ठीक है, अगर हम उससे दूर बैठ के ही अपना सिग्नल को चेंज कर सकते हैं तो ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड ये सब जानते हैं कि कीबोर्ड जो है इज़ यूज टू इंसर्ट कीज पुट फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड इन टू द कंप्यूटर, सो जो कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन, जैसे कि मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जो मेरी साउंड है वो रिकॉर्ड हो रही है, वो माइक्रोफोन के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। मीन्स मैं बाहर से सिग्नल कंप्यूटर के अंदर भेज रहा हूँ, तो माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है। MIDI कीबोर्ड ये क्या होता है? MIDI कीबोर्ड होता है जिस तरह से पियानो, आजकल पियानो जो होता है पियानो को भी हम कंप्यूटर से अटैच करके बजा सकते हैं, तो MIDI कीबोर्ड या MIDI इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी होते हैं वो भी इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में ही आते हैं। आगे माउस, पॉइंटिंग डिवाइस, कोई भी हो पॉइंटिंग डिवाइस, जिस तरह से माउस हो गया या फिर कोई पेन हो गई, जिस तरह ऊपर ग्राफिक टैबलेट आई थी, ये सब क्या है कि इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में आ जाते हैं। आगे बारी आती है स्कैनर की। स्कैनर को बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं कि आउटपुट डिवाइस में लिख देते हैं, जबकि जो स्कैनर है, देखिए मेरी एक फ़ोटो है मेरे हाथ में, एक ना मेरी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो थी, मैंने क्या किया, एक शॉप पे गया, उसने क्या किया कि मेरी फ़ोटो ली, मैंने उसको बोला कि इसकी चार कापियाँ बना दो भाई, उसने मेरी फ़ोटो तो खींची नहीं कोई भी, उसने क्या किया जो मेरी पुरानी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो थी उसको लिया, स्कैनर के ऊपर रखा, रखने के बाद उसको स्कैन किया तो जो मेरी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो थी वो स्कैन होने के बाद कंप्यूटर के अंदर चली गई। इट मीन्स ये इनपुट डिवाइस है और उसने उसकी एक फ़ोटो की चार कॉपीज़ बना दी, तो इसलिए जो स्कैनर है वो इनपुट डिवाइस ही है। आगे बारी आती है वेबकैम की। वेबकैम जो है जिस तरह से कंप्यूटर के साथ में हम वेबकैम लगा देते हैं, तो वो क्या करता है बाहर से सिग्नल को कैच करता है, कैच करने के बाद कंप्यूटर में इंसर्ट कर देता है, तो इस प्रोसेस को भी इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में ही रखा गया है। तो जो हमारा वेबकैम है वो भी इनपुट डिवाइस है, जो कि आउटसाइड की जो आउटपुट है, जो आउटसाइड वर्ल्ड की जो विजिबिलिटी है, जो विज़न है, उसको कैच करता है, कैच करने के बाद कंप्यूटर को दे देता है। टच पैड जो हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड का जो नीचे का एरिया होता है सरफेस, ये आगे चल के भी इसके ऊपर टॉपिक आएगा टच पैड का, लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता दूँ, जो हमारा लैपटॉप है उसमें जो इनपुट डिवाइस होता है वहाँ पर माउस तो होता नहीं, माउस की जगह पर जो जहाँ पर हम क्लिक करते हैं माउस के बिना, या माउस का काम जिस एरिया से लिया जाता है उसको टच पैड बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड, जो हमारी डिस्प्ले है
जिस तरह हम स्कूल्स में हम आजकल देखते हैं कि जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर एनिमेशन के थ्रू पढ़ाया जाता है, और हम उसमें क्या कर सकते हैं, इनपुट भी दे सकते हैं स्टेंसिल से, पेन से। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड को भी इसी कैटेगरी में रखा गया है इनपुट डिवाइसेस की। जिस तरह आजकल एजुकॉम के जो प्रोजेक्टर्स हैं और उनके एजुकॉम की जो डिस्प्लेज हैं वो भी इसी कैटेगरी में आती हैं। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन या OMR, OMR भी इनपुट डिवाइस है। OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये भी इनपुट डिवाइस है। इसको भी, इसका जो रीडिंग डिवाइस है वो भी बारकोड की तरह ही होता है, बारकोड रीडर की तरह ही होता है। OMR, OCR और बारकोड रीडर, इन तीनों का जो रीडिंग डिवाइस है वो एक एक जैसा ही होता है दिखने में, ठीक है। तो ये भी इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में ही आता है। पंच कार्ड रीडर, जो पंच कार्ड रीडर है ये भी इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, जो हमारे चेक्स हैं, चेक के नीचे जो हमारे डिजिटल सिग्नेचर होते हैं बैंक की तरफ से किए जाते हैं, उसको भी उसको मैग्नेट रीड करने के लिए मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर से किया जाता है रीड। मैग्नेटिक टेप ड्राइव, मैग्नेटिक टेप ड्राइव, अब जो मैग्नेटिक टेप ड्राइव है, देखिए जो मैग्नेटिक टेप्स थी पहले ज़माने में, उस वो क्या करती थी कि वो साउंड जो रिकॉर्डेड होता था मैग्नेटिक, उसको बजाती थी, ठीक है। लेकिन हम क्या करते थे, मैग्नेटिक टेप के अंदर मैग्नेटिक टेप को, मैग्नेटिक ड्राइव के अंदर मैग्नेटिक टेप को डालते थे, उसके बाद वो साउंड बजता था। तो इसको भी इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में ही रखा गया है और ये इनपुट डिवाइस ही है। उसके बाद आते हैं बारी आउटपुट डिवाइसेस की। मॉनिटर, OLED, LED, LCD, CRT, या फिर जो भी इसके अलावा कोई और आज की डेट में मॉनिटर है या पहले था, वो सारे के सारे आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में है, क्योंकि वो यूज़र को आउटपुट देते हैं। प्रिंटर्स, हर कैटेगरी का प्रिंटर, चाहे वो इंकजेट हो, चाहे वो लेज़र हो, चाहे वो डॉट मैट्रिक्स हो, चाहे वो व्हील हो, चाहे वो डेजी व्हील हो, किसी भी तरह का प्रिंटर है वो भी आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि उसमें पेपर तो इन होता है लेकिन उसके ऊपर प्रिंटिंग होकर वो बाहर आ जाता है। प्लॉटर्स, प्लॉटर्स जो क्या है, जो कि ये प्रिंटर कई ही कैटेगरी में, प्रिंटर की कैटेगरी का ही एक डिवाइस है। ये क्या करते हैं, इसमें हम जो जितने भी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है वो सारे प्लॉटर के ऊपर ही प्रिंट होकर बाहर आते हैं। तो प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर, जो आपने देखा होगा कि स्कूल्स कॉलेजेस में जो छत के ऊपर प्रोजेक्टर लगे होते हैं और अपना कंप्यूटर से उसको इनपुट दे दी जाती है, लेकिन वो क्या करते हैं कि इनपुट कंप्यूटर से इनपुट लेने के बाद आउटपुट प्रोजेक्ट करते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो ये भी आउटपुट की कैटेगरी में ही आते हैं। LCD प्रोजेक्शन पैनल, ये भी सेम ही है, LCD प्रोजेक्शन पैनल्स, ये भी आउटपुट की कैटेगरी में आते हैं। स्पीकर्स, ये क्या करते हैं, ये साउंड को थ्रो करते हैं, मीन्स ये बाहर साउंड देते हैं कंप्यूटर से, तो ये भी आउटपुट की कैटेगरी में है। हेडफोन्स, अब देखिए इनपुट में माइक्रोफोन आ जाता है, जो एक हेडफोन है उसमें दो चीज़ें होती हैं, माइक्रोफोन और हेडफोन। जो माइक्रोफोन है वो तो इनपुट की कैटेगरी में आ जाता है, लेकिन जो हेडफोन है जिससे सुना जाता है, तो वो कंप्यूटर से साउंड को बाहर निकाल कर लाता है और हमारे कानों तक पहुँचाता है, तो ये भी आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में ही आ जाता है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट में हर तरह की डिस्प्ले कवर हो जाती है, चाहे वो घड़ियों की हो, जिस तरह से आजकल एप्पल क्या कर रहा है कि एप्पल और एंड्रॉयड मिलके क्या कर रहे हैं कि अपनी घड़ियाँ निकाल रहे हैं, ठीक है, और या फिर कोई भी ऐसी 3D टेक्नोलॉजी हो या फिर सिंपल मॉनिटर्स हो, तो जितनी भी डिस्प्ले यूनिट्स हैं वो सारे विजुअल डिस्प्ले यूनिट की कैटेगरी के अंडर आ जाते हैं, तो ये भी आउटपुट डिवाइस ही है। उसके बाद फिल्म रिकॉर्डर, अब फिल्म रिकॉर्डर क्या चीज़ है, फिल्म रिकॉर्डर, ये रिकॉर्डर इस, ये नाम से ऐसा लगता है कि जैसे कि ये इनपुट डिवाइस हो, नहीं ये भी आउटपुट डिवाइस ही है। फिल्म रिकॉर्डर होता है एक कैमरा जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं और साथ में वो आउटपुट भी देता जाता है कि हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में ही आता है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन।